खान सर, हमारे साथ इस पूरे चर्चा में बिहार झारखंड के हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। खान सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और ईद की पूर्व संध्या में आपको और पूरे देशवासियों को, बिहार झारखंड की जनता को ईद की बधाई है। अभी आप चर्चा कर रहे थे वैक्सीन के एफिकेसी पे और वैक्सीन दो के जो दो खुराक लिए जाते हैं उसके बीच के फासले को। खान सर, एक चीज बताएं, कोवैक्सीन में आपने कहा कि एफिकेसी 28 दिन में आ जाती है, कोविशील्ड में अलग आती है, ये क्या इनके मैन्युफैक्चरिंग की वजह से ये गैप रखा गया है टाइम इंटरवल का, या असल वजह क्या है? क्या वैक्सीन निर्माण में देरी हो पा रही है, या सही में वैक्सीन का सही असर देखना है तो इतना टाइम इंटरवल मेंटेन करना जरूरी है? सर देखिए, हम जो वेक्टर वैक्सीन है, जो वेक्टर वैक्सीन, उसमें क्या है कि कोरोना के ही हम सकल वायरस का प्रयोग किया गया है, और जो स्पुतनिक है ये इनएक्टिवेटेड वायरस, मतलब वायरस को कमजोर करके डाला गया है। तो इसके दोनों डोज में अलग अलग वायरस जो जिनकी सकल कोरोना से मिलती है। तो वैक्सीन क्या करता है, आपको बीमारी से नहीं बचाता है, वैक्सीन वैसा ही सकल बना लेता है जैसा ओरिजिनल वायरस होता है, और आपकी जितने भी डिफेंस फोर्सेज लगी है हमारे शरीर के अंदर जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, सबसे जाके वो झगड़ा कर लेता है, जिससे कि वो फोर्स जो हमारे अंदर की एंटीबॉडी है उसका शकल पहचान ले। अब वैक्सीन जो है वो नकली शकल है, अपनी शकल नहीं है। अब डिपेंड करता है किसकी वैक्सीन अच्छी, मतलब किसने हूबहू कोरोना के शकल का ही वैक्सीन बना दिया है। तो जो हम वैक्सीन डालते हैं ये एक्चुअली में ये कोरोना के शकल की दवा होती है जिसे हमारा शरीर पहचान जाता है। अब जिसका वैक्सीन का हम शकल बहुत तगड़ा मिलेगा उसमें बहुत जल्दी पहचान लेगा और उसके अंदर एंटीबॉडी जल्दी बन जाएगी, जिसमें स्पुतनिक सक्सेस हो गया। उसके बाद अगर कोई आता है तो हम लोग का कोवैक्सीन आता है। अब ये जो दोनों हम लोगों ने यूज किया है ये वायरस के ही पार्ट्स को हम लोगों ने यूज किया है, जबकि यहाँ पर इन लोगों ने अलग टाइप का यूज किया है वेक्टर वैक्सीन का, इसमें थोड़ा सा आगे अलग मतलब फॉर्मूला है, जिस वजह से हमारी बॉडी को पहचानने में ज्यादा टाइम लग जाता है और इन दोनों में बहुत कम समय लग जाता है। तो अभी जिस हिसाब से हम चल रहे हैं लोगों के अंदर एक ये है, कई लोग हमसे पूछते हैं कि सर हमने तो 30 दिन से ही लगा लिया कोविड शील्ड, क्या काम नहीं करेगा? देखिए हम एक बात बता देते हैं, आप 30 दिन का सेकेंड डोज तो छोड़ दीजिए, आप अगर फर्स्ट डोज भी लगवा लेते हैं, केवल पहला डोज लगवा देते हैं और एक हफ्ता बच जाते हैं, फर्स्ट डोज लगवाने के बाद एक हफ्ता बच जाते हैं, और अगर आप आम इंसान है तो आप नहीं मरेंगे, डॉक्टर है तब नहीं, क्योंकि डॉक्टर को तो दिन रात बेचारों को, आप जिंदगी सोचिए डॉक्टरों की कैसे हो गई है, जहां रिश्तेदार लाश छोड़ दे रहे हैं वहां डॉक्टर बेचारे इलाज कर रहे हैं। तो इससे घबराने की बात नहीं है कि किसकी एफिकेसी ज्यादा है या कौन कम देता है। एक आम इंसान के लिए कोई भी वैक्सीन लगाकर बस एक हफ्ता इंतजार कर लीजिए, एक हफ्ते में एंटीबॉडी बना लेगा और मरने से वो बचा लेगा, इसलिए इस पर घबराने की बात ही नहीं है। बात ये आती है कि यूटिलाइजेशन की, जो हमारा अपना है उसे गवर्नमेंट अच्छे से यूज नहीं कर रही है।